यार हम सबके दिल में एक शौक रहता है, किसी का हॉबी रहता है और किसी का सपना रहता है। यार हम लोग सभी लोग सपने देखते हैं बट सबका सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसके पीछे भी रीजन है क्यों नहीं होता है और जिसका होता है उसके पीछे भी रीजन है। यार आज मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाऊंगा कि मेरा पिछला जो लाइफ था वो कैसे था और जब मैं यूट्यूब में आया तब मेरा लाइफ कैसा बन गया। तो यार यूट्यूब में आने के बाद जो लाइफ है मेरा वो तो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको आज की इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि बताऊंगा कि यार मेरा जब यूट्यूब चैनल नहीं था तब मैं किस तरीके से था, मेरा घर कैसा था। और वो तो हमने बहुत पहले दिखा भी दिया था बट आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा एक बहुत ही पुराना जो घर था जिसमें मैं पले भर के बड़े हुए हूँ, उस वीडियो को यानी कि वो रूम में आपको दिखाऊंगा और कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कुछ पुराने यादें मैं आपको ताजा करके बताऊंगा। यार हम सबकी लाइफ में सब लोग कभी ना कभी एक ना एक सपना जरूर देखते हैं, यानी कि हमारे मन में एक सपना होता है। किसी का होता है कि चलो यार मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचते हैं यार मुझे तो मतलब पुलिस में जाना चाहिए, यानी कि मैं पुलिस का शौक रखता हूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, हर एक मतलब इंसान अपने दिल में एक शौक रखते हैं, एक जुनून रखते हैं, एक सपना देखते हैं जो मुझे पूरा करना है, ऐसे सोचते हैं बट ज्यादातर लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यार मेरे लाइफ में भी ऐसा था, एक सपना था छोटा, जब मैं क्लास वन में पढ़ना स्टार्ट किया हूं उससे पहले से मेरा एक आदत था जो आप सबको पता होगा। तो यार वो क्या है, वो मैजिक यानी कि जादू, जो हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बना लिया है वहां पर आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे, ये तो मेरा ब्लॉग चैनल। तो यार वो चैनल ऐसे नहीं बन गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप मेरी हिस्ट्री सुनना पसंद करेंगे तो मैं आगे आपको इस चैनल पर बताऊंगा, लेकिन आज से मैं बताऊंगा मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज हुआ और मेरे दिल में क्या ऐसा जुनून था या क्या सपना था जो मैंने पूरा कर पाया या नहीं। तो यार सबसे पहले तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो मैं जब क्लास वन में भर्ती हुआ था उस टाइम से मेरे दिल में एक शौक था कि मुझे मैजिक मतलब मैजिक सीखना है और एक अच्छा मैजिशियन बनना है। तो यार क्लास वन से मेरा मैजिक सीखना स्टार्ट हो गया, पढ़ाई में ध्यान कम था, मैजिक पे ज्यादा था, तो इसीलिए मैजिक को ज्यादा पसंद करते थे। और जब क्लास फाइव में पढ़ना स्टार्ट किया तब से मेरा मैजिक दिखाना बनाना ये स्टार्ट कर दिया था। और यार ऐसे ही चलता रहा मेरी मैजिक का लाइफ और धीरे धीरे मुझे मैजिक में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और मैजिक को पसंद करने लगा। तो यार ये तो बहुत बार हमारा सपना टूट गया था, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक चीज जो हमने कभी सोचा नहीं था लेकिन ऐसे यार हमने दिल में रखा था कि ये तो मुझे करना ही करना है। देखो मैजिशियन तो मैं बन गया यूट्यूब के लिए, लेकिन ऐसे मैं कहीं पर सोच नहीं करता, सोच बहुत कम करता हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो बाहर में मैं जाता नहीं और इसीलिए सोच कम करता हूँ। बट मेरे दिल में एक शौक था जो कि है मेरा घर। यार मेरा बहुत बड़ा सपना था छोटे से, यानी कि मैं जब क्लास 5-6 में पढ़ता था तब से मेरी शौक था कि मुझे घर बनाना है, क्योंकि मेरा जो घर था वो मिट्टी का था और जब भी बारिश आता था तो ऊपर से पानी नीचे गिरता था, मतलब किस तरह का घर है आपको पता चल रहा है, और नीचे हमें सब कुछ रखना पड़ता है ताकि पानी तो आ रहा है ऊपर में, दूसरी मंजिल में तो आ रहा है, नीचे मंजिल पर ना चला जाए। इतना पुराना घर था, हर एक दीवार में फटा हुआ था, मतलब कहीं से लगता था कि यार अब के बार तो बारिश आने से ये तो गिर ही जाएगा, ऐसा सिचुएशन था। मेरे एक पुराना वीडियो है जहां पर हमने वीडियो मतलब मेरे घर को दिखाया था, आप चाहे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से आप लोगों को दिखा दूंगा अगर आप देखना चाहते हो तो। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरा पुराना घर जिस घर को तोड़ के हमने नया घर बनाया। और यार ये सपना मेरा बहुत पुराना था और ऊपर वाला ने मेरा सपना पूरा कर दिया, बट ऐसे ऐसे नहीं करते हैं ऊपर वाले, बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ता है। देखो कोई भी चीज अगर आपके अंदर है, यानी कि दिल में अगर सोचते हो कि मुझे ये चीज करना है, अगर सोच लिया तो भाई ऐसा सोच लो कि मुझे वहां पर जाना है, यानी कि इसको पूरा करना है, फिर जाके मैं रुकूंगा, इससे पहले मैं नहीं रुकूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यार हाँ करना है, हाँ कोशिश कर रहा हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर करना है पूरा तो ऐसा दिल में रखो कि नहीं मुझे वो तो करना ही है, किसी भी हालत में करना है, कुछ भी हो जाए मुझे उस तक जाना है, मुझे अगर करना है तो ये पूरा जब तक नहीं करूंगा तब तक नहीं चलूंगा, आपने सुना होगा ना, जब तक नहीं करूंगा तब तक नहीं चलूंगा। तो ऐसा सिचुएशन आपको लेना है तब जाके आप पूरा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यार बहुत पुराना हिस्ट्री है, बहुत लंबा हिस्ट्री है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यार एक्चुअली जो ये सपना था घर का, ये तो मेरा सपना था नहीं, ये था मेरी पापा का और मम्मी का, यानी कि इन दोनों के मुंह से मैं बहुत बार सुनता था कि यार ये घर तो अब टिकने वाला नहीं, ये टूट जाने वाला है। तो तब मेरे दिल में बहुत अफसोस होता था, यार एक ऐसा घर भी नहीं बना पा रहा हूं। तो मेरे दिल में ये आया कि चलो यार किसी भी तरीके से मुझे घर बनाना है। और बहुत जब छोटे थे उस
टाइम मैं घर के लिए बहुत ज्यादा सोचता था, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वीडियो नहीं बनाया था मतलब मैं बोल रहा था अपने मन से, और मेरे एक दोस्त ने कैमरा किया था कि देखो इसके दिल में कितना बड़ा सपना है घर बनाने के लिए। चलो छोड़ देता हूँ, बट ये जो सपना था ये मेरी सपना आया है मेरी मम्मी और पापा के पास से, यानी कि उन दोनों की सपना मेरा सपना बन गया था कि चलो यार अगर कुछ करके दिखाना है तो सबसे पहले मैं घर बनाऊंगा। तो यार मैंने जितने भी YouTube से अर्निंग किया है, जितनी भी अर्निंग किया था सब हमने घर में लगा दिया। अब मेरे पास अगर कहोगे तो कुछ भी पैसा, उतना पैसा ज्यादा है नहीं, होगा 50-60 हज़ार हो सकता है कम ज्यादा करके, बट उससे ज्यादा पैसा मेरे पास है नहीं। जितने भी पैसा हमने YouTube से कमाया सब हमने घर में लगा दिया है ताकि घर बन जाए, मम्मी पापा का सपना पूरा हो जाए, मेरा भी सपना पूरा हो जाए। तो यार कर लिया है, बट वो पुराना घर मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो थोड़ा सा सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने घर को तोड़ा था क्रेन से, और मिट्टी का घर था किस तरीके से गिर रहा है, कैसा सिचुएशन है, चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, और ये ब्लॉग चैनल है यहाँ पर मैं अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ, और चाहे तो मैं अपना जो लाइफ स्टाइल है किस तरीके से मेरा चेंज हुआ, यार मैं बिल्कुल जीरो था और आज मतलब हीरो हूँ, क्योंकि पहले जो मैं था वो कुछ भी नहीं था। चलो यार एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यार यहाँ पर वीडियो आ चुका है, और ये मेरी घर का पीछे का हिस्सा है, पीछे के हिस्सा से ये तोड़ना स्टार्ट किया था क्रेन से, आप देख पा रहे हैं। बट थोड़ा सा वीडियो नहीं है, मतलब शूट करना भूल गया था, मैं अलग काम कर रहा था। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से ये घर को तोड़ रहा है, और इतना इजी लग रहा है देखने में कि लग रहा है बहुत ही आसान है, बहुत ही हल्के से ये टूट जा रहा है, बट बहुत हार्ड था, अभी भी हार्ड था, लेकिन ये क्रेन से तोड़ रहा है इसलिए लग रहा है कि कुछ है ही नहीं घर में। यार देखो कितना धूल था यहाँ पर, यार मिट्टी का था घर लेकिन है बहुत प्यारा सा। बहुत हमने इस घर में मजा कर लिए, बहुत इंजॉय किए इस घर के अंदर। देखो गांव के लोग यहां पर देख रहे हैं, आप सब देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे गांव के लोग खड़े हुए हैं कि देखते हैं कैसे तोड़ रहा है घर। तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम पे, बहुत सारे लोग थे। देखो ये मेरी घर का सामने का हिस्सा, जहाँ से आपने मतलब आपने देखा नहीं होगा शायद, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये देखो ये फर्स्ट मंजिल और ऊपर में सेकंड मंजिल, ठीक है। तो यार देखो ये जो हिस्सा है ना ये मेरे घर का सामने का हिस्सा है, और ये देखो यहाँ से सीढ़ी है और यहाँ से हम जाते थे ऊपर, और ये जो रूम का डोर देख रहे हो ना ये एक डोर है, ये इस रूम के अंदर मैं मैजिक ट्रिक्स बनाया करता था। इसके अंदर सब कुछ पुराना वीडियो जो आपने पर्दे में देखा होगा, पीछे ग्रीन पर्दा था वो वाला हिस्सा, फिर जो आपने देखा होगा पीछे में सफ़ेद कलर का एक वाइट बैकग्राउंड था, वो सारे जो वीडियो है वो मैं इसी रूम पर बनाया करता था। और देखो ये नीचे का हिस्सा, ये मेरा पुराना मिट्टी का घर, थोड़ा सा देख लो यार बहुत ही प्यारा सा था। और देखो यहाँ पर और एक रूम था इस साइड में, ये जो रूम, ये तो अभी है नहीं, तोड़ दिया गया, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जो पुराना एक वीडियो है मेरे पास वो मैं दोबारा लेके आऊंगा, अगर इस वीडियो में अच्छा खासा लाइक आ जाता है, आप लोग पसंद करते हो तो ठीक है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। देखो भाई आधा तोड़ दिया घर को, बिल्कुल घर का कोई नामो निशान नहीं रहा था। ये देखो ये मेरी छोटे भाई, अब दिखा रहे तुमको, नमस्कार कर रहे हैं कि खत्म हो गया सब कुछ। और ये देखो मैं, मेरा शकल देख लो, धूल मिट्टी में क्या हो गया था। देखो यार क्या हालत कर दिया क्रेन ने,
भाई जब तोड़ रहा था ना घर को, तब मतलब लग रहा था यार क्या कर दिया, घर को तोड़ दिया। मतलब देखो यहाँ से मैंने बच्चे से लेकर बड़े हुए इस घर के अंदर, तो यार थोड़ा सा तो प्यार रहेगा ना घर के लिए। तो मैं कभी कभी मिस भी करता हूँ मेरे घर को, बहुत मतलब याद भी आता है कि यार कितना मौज मस्ती की इस घर के अंदर। मिट्टी का था लेकिन है था यार बहुत ही प्यारा सा। तो यार क्या करे, घर तो बनाना पड़ेगा ना। यार मतलब एक घंटे के अंदर पूरा का पूरा खत्म खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखो पूरा मैदान बना दिया, क्रिकेट खेल के देख मतलब खेल सकते हो। यार जब मैंने देखा तब मैंने सोचा यार यहाँ पर घर था, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरा तोड़ के खत्म। देखो पूरा का पूरा यहाँ पर मैदान देख सकते हो, पूरा खाली कर दिया है और लग रहा है कि यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। तो यार ये जो घर आप देख पा रहे हैं ना, ये घर, इस घर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आप मेरे वीडियो में देखते होंगे। यानी कि मैं कभी अगर ब्लॉग वीडियो में दिखाया मेरा रूम, तो उस वीडियो का अगर देखा तो आपने विंडो से ये घर का जो हिस्सा है वो आप देखे होंगे। तो यार दोनों साइड का घर आप लोगों ने देखा होगा, दोनों साइड में मेरा घर है, मतलब बीच में मेरा घर है। तो यार देखो कैसे मैदान बना दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिलहाल, बिल्कुल खाली कर दिया है। और मतलब क्या बताऊं, तो यार ये जो था ये मेरा पुराना घर था, जो मिट्टी का घर। यहाँ पर मैंने बहुत सारा लाइफ गुजारा है, यहाँ पर मैजिक वीडियो भी बनाया है, छोटे से बड़े भी हुए। तो यार ये जो घर था बहुत ही पुराना, कम से कम कितना पुराना वो भी बता दूं, कम से कम 100 साल से ज्यादा पुराना घर था। मेरे दादी के पिताजी ने बनाया था, यानी कि इतना पुराना घर है आपको पता चल गया होगा। तो यार ये जो थोड़ा सा सिचुएशन था मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का घर था और आज मैंने किस तरह से घर बनाया। तो यार आगे बहुत कुछ और भी शेयर करना है आप लोगों के साथ, जो आपको बहुत सारा काम आ सकते हैं। अगर आपके भी दिल में कुछ शौक है, आप कुछ करना चाहते हैं या जो भी हो, यार आपको हेल्प हो सकते हैं मेरे बातों से। तो यार आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट पे बताओ और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपना ब्लॉग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और भी आगे बहुत सारा ब्लॉग वीडियो आने वाला है। तो ये था छोटा सा एक वीडियो, चले आशा करते हैं पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।